शिवान मोमेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी चीजें क्लियर करेगा क्वेश्चन आपका टीडीएस का। वन मिनट लेते हैं ताकि सारे लोग आ जाएं। तो जब बुक्स वगैरह देंगे उसमें सब क्वेश्चन हाँ होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर ये क्वेश्चन पक्का हमारे स्तर का तो है नहीं, कोई पेपर का, हाँ, नहीं है, ये पक्का मैंने कैट कहा ना आज जेड का, आज का सब आईएएम के पूरा लेक्चर ही हाईफाई जाएगा आज का। मैंने पहले ही कहा था ये एडवांस क्लास है, ये बेसिक वही मैं क्लास कह है रहा ही हूँ, नहीं। ये पक्का कैट का पेपर है, क्वेश्चन और इतना है। सिंपल है विष्णु, अभी देखना कुछ नहीं होता है, टफ है सिंपल, इतना सिंपल अभी आप हो गए इसमें नहीं तो देखते ही सॉल्व हो दोनों गया। कॉन्सेप्ट लगेंगे, पिछली क्लास का और इस क्लास के दोनों कॉन्सेप्ट एक लगेंगे मुझे कोई लग रहा कॉन्सेप्ट है। नहीं लगाएंगे इसमें, अभी आप देखना, बस आप देखते जाओ कैसे करते हैं, सब लोग आ जाएं, बस कोई एक स्टूडेंट मिसिंग है, कौन यार का भी आ गए, शिवान, यस हाँ आप सब लोग आ गए, ठीक है डन, अब सब लोग आ चुके हैं तो स्टार्ट कर। सौम्या आज आप लेट आए, थोड़ा लेट मिला मैसेज, निहारिका, शिवान, यश नहीं आया अभी। सर मैंने ज्वाइन करने की कोशिश की थी, वो हो नहीं रहा था, फाइनली अब जाके ज्वाइन हो पाया। ओके डन। सर आज कुछ लिख के आ रहा था उस पे, नोटिस, टीवीआर, वो आजकल टैक्सेशन आपको सब। पता है नेटवर्क के बहुत इशू रहते हैं तो कई बार हो जाता है। चलो कोई नहीं, फिलहाल बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग तो तब पढ़िए, टाइम नहीं वेस्ट करिए, समझिए इस चीज को। अ ट्रेन अप्रोचेज अ टनल ए बी, इनसाइड द टनल इज अ कैट लोकेटेड एट अ पॉइंट दैट 3/8 ऑफ द डिस्टेंस ए बी मेजर। चलिए दिस इज ए, दिस इज बी, नाउ 3/8 टोटल डिस्टेंस, सपोज आई एम टेकिंग दिस इज 8, तो कैट सिटिंग 3 पोजिशंस पे, ये हो गया अभी कैट की पोजिशन। व्हेन द ट्रेन विसिल्स द कैट रन्स, इफ द कैट मूव्स टू द एंट्रेंस ऑफ द टनल ए द ट्रेन कैच द कैट एग्जैक्टली द एंट्रेंस, मीन्स ट्रेन ने विसिल दी तो ट्रेन थोड़ी विसिल पहले दे देगी, जैसी ट्रेन ने विसिल दी इस कैट ने स्टार्ट करा रन टूवर्ड्स एंट्रेंस ए की तरफ, और क्या हुआ उतनी देर में ट्रेन ए पे पहुंच गई और कैट को पकड़ लिया, यही तो क्वेश्चन हुआ। एट द एंट्रेंस इफ द कैट मूव्स टूवर्ड्स टू द एग्जिट बी, यहीं पे जो कैट अगर ये बी की तरफ भागती द ट्रेन कैच द कैट एग्जैक्ट, तो ट्रेन यहाँ पकड़ लेती इसे, देख रहे हैं कितनी अच्छी ट्रेन है, तुम इधर भागो तो इधर पकड़ लेंगे, इधर भागोगी तो एग्जिट पॉइंट पे मतलब टनल के अंदर ही पकड़ लेगी ट्रेन। पहले बात क्लियर हुई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये बताओ। अ ट्रेन अप्रोच अ टनल ए बी, इनसाइड द टनल कैट, इफ कैट रन टूवर्ड्स ए द ट्रेन कैच एट ए एंट्रेंस से पकड़ लेगी, अब ट्रेन ने यहां से स्टार्ट विसल बजाई, ये इधर नहीं भागी, ये कहाँ भागी बी की तरफ, तो ट्रेन की स्पीड ऑब्वियसली तेज होगी तो ट्रेन ने आके से यहाँ पे कैच कर लिया। निकुंज, यश, सौम्या क्लियर यस सर। है, ठीक है डन। अब आप एक बात सुनिए, जैसी ये ट्रेन यहाँ पे आई वॉट एवर उसने कोई भी डिस्टेंस कवर करी हो ट्रेन ने, बट कैट ने तो 3 डिस्टेंस कवर करी, बताइए भाई 8, सपोज 8 किलोमीटर की टनल थी तो वो दौड़ के कहाँ तक गई, 3 किलोमीटर तक आ गई, बताइए कोई प्रॉब्लम इसको समझने में। सौम्या, मोमिन, जिसको प्रॉब्लम लग रही है तुरंत अनम्यूट करके बैठ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ट्रेन यहां तक पहुंचेगी कैट इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंच जाएगी, और कैट एक किस डिस्टेंस से रेडी थी, 3 की डिस्टेंस से रेडी थी, 3/8 मतलब अगर 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो वो 3 किलोमीटर पे सिटिंग है, इसे हम कहते हैं 3/8। विष्णु कोई प्रॉब्लम, नो सर। ठीक है डन, अब मैं ये समझता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब आप देखो वो इस पोजीशन से इधर चलती तब भी ट्रेन यहाँ आती, तो देखिए चाहे वो इस पोजीशन में चले
चाहे इस पोजिशन तो वो 3 किलोमीटर ही चलेगी तब तक, ये बताओ बात। जब तक ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी, चाहे तो 3 इधर चला लो चाहे 3 उसे इधर चला लो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको? भाई दोनों तरफ एक डिस्टेंस तो इक्वल चलेगी, अगर तो ना बी की तरफ मूव करेगी तो स्पीड तेज हो जाएगी उसकी। यस, समझ में नहीं आई। बात समझ में नहीं आई? चलो हाँ एक बात बताओ, समय आपको क्लियर हो रहा है? कोई पर्सन जितनी देर में यहां पहुंचता है उतनी देर में आप 3 किलोमीटर कवर करते हैं, ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की, बताइए एंट्रेंस पे। यस सर। ये डिस्टेंस तो नहीं पता है ट्रेन की, बट ये पता है कोई 3/8 पे बैठी थी, तो कैट तो 3 किलोमीटर चलेगी भैया। ट्रेन जैसी यहाँ पे आएगी कैट कितने किलोमीटर चल सकती है उस टाइम? 3। अब वो कह रहे द ट्रेन कैच द एंट्रेंस इफ द कैट मूव, अगर बी की तरफ चलती वो, चलो बी की तरफ भी तो 3 ही चलेगी, बताइए। यस सर। जब 3 कवर करेगी तो ट्रेन फिर से यहाँ आ जाएगी, ट्रेन तो यहीं आएगी ना। यस सर। आप ये मत सोचिए ट्रेन यहाँ चलने के बाद फिर वो उल्टा चलेगी, ट्रेन यहीं। देखिए विसल, फर्स्ट कंडीशन विसल बची 3 किलोमीटर आ गई, सेकंड कंडीशन विसल बची 3 किलोमीटर इधर चल गई, बताइए। बात हो रही है जब विसल, जब गाड़ी हॉर्न दे रही है उसके बाद कैट क्या करती है? आइदर ए की तरफ जाएगी और बी की तरफ जाएगी, लेकिन बोथ कंडीशन में वो करेगी 3 किलोमीटर ही कवर। क्लियर? क्या तो लेकिन इसमें ये कंडीशन भी तो ले सकते हैं कि ये अगर एग्जिट बी, कैच किया सर उसने, एग्जिट पॉइंट पे कैच किया ना ट्रेन ने, वो अगर हम जब बाद में दूसरी करेंगे, वो तरफ। बात की बात, अभी हम ये मानेंगे जब ट्रेन एंट्रेंस पे आएगी तो आइदर या तो वो 0 पोजीशन पे कैट आ जाएगी 3 किलोमीटर चढ़ के, और वो 3+3 6 किलोमीटर पर पहुंच सकती है, उसका दो ही ऑप्शन है। वो कैच पकड़ा वो बात की बात है, वो भी करते हैं उसको भी कवर। पहले नहीं सर, हम अगर हम ये मानेंगे जैसे कि अगर ये आपने 3 पॉइंट पे वो कर दिया कि सर यहाँ पे 3 किलोमीटर इधर थी, हाँ तो इधर भागेगी तो 3 किलोमीटर चलेगी और इधर भागेगी तो 5 किलोमीटर चलेगी। ये कौन सी हाँ बात हो सर। गई? एक्चुअली स्पीड अगर हम इस नहीं, तरफ एक मिनट मैं स्टेट समझ के गया, बारे विष्णु का पॉइंट, में गॉट बात इट गॉट इट, विष्णु मैं आपका पॉइंट समझ गया। उसने ये कहा है व्हेन, जब वो बी की तरफ बजेगी, जब चलेगी सॉरी यार, तो यहाँ पे ट्रेन उसे कर कैच कर लेगी, बट ट्रेन को मैं कैच नहीं करवा रहा हूँ, मैं ट्रेन को भी एंट्रेंस पे ही रखा हुआ हूँ, एंट्रेंस के टाइम पे ही कह रहा हूँ भाई ये 3 और ये 3। हाँ तो नाउ जब इस ये है तब। पोजिशन पे कैट होगी, अब कैट भी चल रही होगी और ट्रेन अंदर आ रही होगी टनल के, ये वो टाइम होगा तब ये दोनों यहाँ पे मीट करेंगे। अब क्लियर हुआ? हाँ जब ये ट्रेन पॉइंट ए तक होगी तब वो हाँ, थ्री चल ट्रेन ए पे पाएगी। होगी तब ये इस पोजीशन पे होगी, अब दे स्टार्ट मूविंग और बी पे पकड़ लेगी ट्रेन। समय क्लियर? निकुंज क्लियर? अभी भी नहीं क्लियर? यस सर। ये हो गया, यश आप बताओ। हो सिंपल से फिर से रिपीट करता हूं, ट्रेन ने विसिल दी तो कैट इधर चली और ट्रेन भी यहां आ गई, सेकंड टाइम भी मैं ट्रेन को यहीं पहुंचा रहा हूं बट कैट को 3 किलोमीटर इधर, क्योंकि वो सेम टाइम में कवर कितना कर रही है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 3 किलोमीटर। नाउ कैट की पोजीशन 6 हो गई, ट्रेन की पोजीशन अब क्या हो गई? 0 पे आ गई एक तरीके से, क्योंकि स्टार्ट ही जी। चलेगी। नाउ ट्रेन कवर करेगी इस टाइम में 8 किलोमीटर और कैट कितना कवर करेगी इस टाइम में? 2 किलोमीटर। तो ट्रेन की स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर, कैट की स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। नाउ द स्पीड रेशियो इज 4:1, जिसको प्रॉब्लम वो पूछिए, क्वेश्चन सॉल्व। फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बस बता दीजिए। सर ये वाला एक्सटेंड फिर से एक्सटेंड कर दीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट और कैसे मतलब आया। फिर से देखते हैं, चलिए देखिए, कैट की पोजीशन ये है, अगर कैट यहाँ चलती, बिकॉज ये 3/8 पे बैठी हुई है तो ट्रेन यहाँ आ जाती फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इस डायरेक्शन में ना चल के इस डायरेक्शन में चलती तो ये 3 किलोमीटर यहाँ आ जाती, कब? जब ट्रेन की पोजीशन यही होती दूसरी कंडीशन में भी।
मैं ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ट्रेन को एंट्रेंस पे ही खड़ा रख रहा हूँ, एक मोमेंट पे, ऐसा मोमेंट है जब ट्रेन एंट्रेंस पे है, तो या तो थ्री वो बैक आ जाए या थ्री आगे चले जाए, और दोनों लोग कहाँ है, ये एंट्रेंस पे ट्रेन है और ये कहाँ पे है, सिक्स पोजिशन हो गई, थ्री ऑलरेडी थी, थ्री भाग गई, सिक्स पोजिशन पे आ गई। नाउ फ्रॉम सेम टाइम ये बी की तरफ चलेगी और ट्रेन भी बी की तरफ चलेगी, और सेम टाइम में दोनों बी की पोजिशन पे पहुंच जाएंगे, तो ट्रेन बी तक पहुंचने के लिए कितना सफर तय करेगी, एट, दिस डिस्टेंस इज एट, बट कैट कितना कवर करेगी, ओनली टू, तो एट रेशियो टू फोर रेशियो वन द रेशियो ऑफ स्पीड। अब बताइए कोई प्रॉब्लम? यश? नो सर। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो, मैंने विदाउट कोई क्वेश्चन, मतलब विदाउट कोई फॉर्मूला के सॉल्व करवाया है इसे, सिर्फ एक जनरल आइडिया एक्सपेक्टेशन से, नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जाम में कैसे सॉल्व करके दिखाते हैं या फिर डायरेक्ट आंसर? नहीं, एमसीक्यू है, आपके तो एमसीक्यू आते हैं, हमारे सारे कॉम्पिटिशन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, लाइक मैं भी देता हूँ, आप भी उधर लिख लीजिए, अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर ही ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव, सो ही वुड हैव टेकन 40 मिनट less, but if he decrease his speed 2 kilometer per hour, then he becomes 40 minute late. Find distance. Now next question. Same question है, D वाला हमारा shortcut लगा जो हम पहले से आए थे, but यहाँ पे एक बात note करने के, the main thing, the man cover distance on scooter 3 kilometer per hour faster. Faster means उसकी जो previous speed रही होगी, whatever, उसमें 3 kilometer per hour add हो जाएंगे. Not directly we can say कि S1 is the 3. Clear? Now next speed is 2 km per hour slower. Means previous speed minus 2. This will be S2. Samya, clear? Vishnu, बताइए. यहाँ faster word और सर उसकी speed 2 km per hour हुई है या उसने 2 किलोमीटर पर आर से स्पीड कम करी है? कम करी है, डिक्रीज, दिस इज डिक्रीज क्वेश्चन, एंड फास्टर, लेट प्रीवियस स्पीड, जो भी उसकी स्पीड थी, लेट प्रीवियस स्पीड इज एक्स, व्हाट इज एस वन, एक्स प्लस थ्री, और व्हाट इज एस टू, यहां कंडीशन x माइनस टू, क्लियर? दिस इज फास्टर एंड दिस इज डिक्रीज स्पीड, तो यहां फर्स्ट स्पीड इज x, दिस इज x प्लस थ्री, यहां पे भी सेम कंडीशन, x और x माइनस टू, टू स्पीड आर अवेलेबल, निकुंज क्लियर है? यस सर। नाउ इसके लिए वही फॉर्मूला, एस वन इनटू एस टू, और इस टाइम क्या हो रहा है, 40 मिनट लेस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस इज 3 इनटू 40, सेम फॉर्मूला इन दो कंडीशन के लिए, व्हेन प्रीवियस इज एक्स एंड एक्स माइनस टू, तो आप कहेंगे डिस्टेंस एक्स, एक्स माइनस टू डिवाइड बाय टू इनटू 40 मिनट लेट, यहाँ की डिफरेंस है तो 40,
मिनट को आर से करने के लिए डिवाइड बाई 60 और यहाँ पे भी 60 हो जाएगा। अब ये 40 क्यों लिखेंगे, 80 नहीं लिखेंगे इसमें? सी यहाँ x और x माइनस 2 से कवर कर रहे हैं, ना कि x प्लस 3 और x माइनस 2। अच्छा ओके सर, क्लियर। हम x x माइनस 2 x x प्लस 3 से कंपेयर कर रहे हैं। हम x माइनस 2 x प्लस 3 से कंपेयर कर ही नहीं सकते बिकॉज हमें x ही नहीं पता है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम दो पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फास्टर एंड स्लोअर को। क्लियर, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। यश क्लियर, मोमिन आप बताओ क्लियर, शुभी? नाउ बोथ इक्वेशन इज इन डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है तो क्या मैं दोनों इक्वेशन को इक्वल रख सकता हूं? यस, अब मैं इक्वल रखता हूं, x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 40/60 विच इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 40/60 विल बी कैंसिल, एक्स विल बी कैंसिल, नाउ 2 की मल्टीप्लाई इधर एंड 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 2x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 3x माइनस 3 2 जा 6, ये इधर आके x आ जाएगा, 6 इधर आके माइनस, तो 12 आंसर आ जाएगा, x इज 12। व्हाट इज x, x इज द स्पीड, हियर x इज अ स्पीड, तो दिस इज 12 किलोमीटर पर आवर। सर इनिशियल स्पीड, सर इनिशियल स्पीड यू कैन से, यस प्रीवियस स्पीड इनिशियल, फाइंड डिस्टेंस, फॉर डिस्टेंस या तो इस पार्ट में x की वैल्यू लगा दी या इस पार्ट में डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, क्लियर? तो x की वैल्यू मैं फर्स्ट पार्ट में लगा देता हूँ, इस पूरे फर्स्ट पार्ट में मुझे डिस्टेंस आ जाएगी, आप सेकंड पार्ट में भी लगा सकते हैं x की वैल्यू टोटल। चलिए तो डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट इज x, x इज 12, तो यहाँ मैं 12 पुट करूंगा, तो दिस इज 12, 12 प्लस 3 15 डिवाइड बाय 3 इनटू 40/60, 12 5 जा आप लोगों को ही करना है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उधर, आप नहीं हो सकते सर, वो नहीं देखो, बात समझो, हमें पता है s1 अपॉन s2, यहाँ हमें x से कंपेयर, देखिए 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ये कंपैरिजन x से दिया गया है ना कि s2 से दिया गया, जो आप s1 s2 लगाते हैं, मैं आपसे 3 किलोमीटर फास्ट रहा हूं तो मैं आपके रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू बता रहा हूँ, और कोई दूसरा आपसे स्लोअर है वो आपके रिस्पेक्ट में बता रहा है, तो यहाँ तो 4 स्पीड हो गए, s1 s2 s3 s4। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, मैं नोट कर रहा हूं और आप लोग खुद करेंगे, देखते हैं आंसर कौन पहले बताता है। अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार हैड ही ट्रेवल 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन ही टेक 4 आवर लेस टाइम बट इफ ही ड्राइव 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन ही takes 6 hours more, find distance, distanc. A man cover a certain distance by his car, had he traveled 6 km per hour faster, बस एग्जाम में यही बात नोट करने की थी कि ये फास्टर का क्वेश्चन है मेरा और ये लेस टाइम का है स्लोअर,
चलिए आई होप आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा. लेट द स्पीड इज एक्स, सेकेंड स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, दिस विल बी एक्स प्लस 6, और 4 आवर लेस, 4 आवर लेस, लेस का मतलब डिफरेंस होता है. चलिए ये भी मैंने नोट कर लिया. सेकेंड में क्या होगा, एक्स 6 किलोमीटर स्लोअर, स्लोअर मीन्स इफ एक्स सेकेंड स्पीड विल बी एक्स माइनस 6, 6 आवर्स मोर, 6 आवर्स मोर्स मतलब वही 6 आवर, मोर लेस का मतलब होता है टाइम का डिफरेंस. डिस्टेंस 30 किलोमीटर. अरे वेरी गुड. चलिए एक्स इंटू एक्स प्लस 6 डिवाइड बाय 6 इंटू 4 आवर है तो मिनट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. दिस विल बी एस इंटू एक्स माइनस, यश आपका आंसर आया था ये, डिवाइड बाय 6 इंटू 6 आवर्स. दोनों डिस्टेंस के फॉर्मूले दोनों इक्वल रख लेंगे, एक्स विल बी 30 किलोमीटर, 6 विल बी कैंसिल, दिस विल बी 4x प्लस 6 4s आर 24, 6x माइनस 6 6s आर 36, 6x माइनस हो जाएगा 2x, ये प्लस हो जाएगा 60, x विल बी 30, x इज द स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर. नाउ ये इसे किसी पहली क्वेश्चन में पुट कर दें तो दिस विल बी 30 इंटू 30 प्लस 6 36 डिवाइड बाय 6 इंटू 4 आवर्स, 6 6 are 30, 7 6 3, कहाँ पुट करना है और कैसे पुट करना है. कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो एवरेज स्पीड का टॉपिक होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करके दिखाइए. मोमिन आज आंसर देंगे का, अनम्यूट करिए. मोमिन हो तो आप अभी ऑनलाइन, क्या बात. सर यस, तो जैसे आपने बताया था कि जब मतलब बड़ा हुआ होगा मतलब मोर होगा या अर्ली होगा, हाँ उसका ना टाइम का डिफरेंस है, हाँ तो उसमें जैसे प्लस आता है नीचे एस वन प्लस एस टू, नो नो माइनस आता है, तो सॉरी लेट में एस वन प्लस एस टू आता है, नहीं टोटल टाइम में, टोटल टाइम में When the time is total, मैं भी प्लस का क्वेश्चन कराऊंगा फिलहाल, ठीक है. इसके बाद प्लस का ही क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन करिए. प्लस का तो आएगा when the total hours of journey is given. Moment, sir, unmute कर रहा, but voice जा नहीं रहा है. कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है. आंसर दो चैट के थ्रू इस क्वेश्चन का मुझे. मोमेंट शुभी आप भी दो. A man travel a certain distance, speed 10 km/h. Then he would take 1 hour less. But if he further increase his speed 10, further. फर्दर यहाँ पे वर्ड जोड़ा है, फर्दर मीन समझ लीजिएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्दर, फर्दर मतलब जो जो इंक्रीज हुई थी उसमें 10 और इंक्रीज करने है. दिस मीन इज फर्दर इंक्रीज मीन्स अ मैन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस हिज स्पीड 10 km/h देन ही वुड टेक 1 hour लेस, बट इफ ही फर्दर इंक्रीज स्पीड 10 km/h देन टेक 45 मिनट. क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही इसमें, कि लिखा है मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस is speed 10 km/h, मतलब अपनी इनिशियल स्पीड से 10 km/h बढ़ाता है. हां यहां पे इंक्रीज लिखना था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई मेरी तरफ से, ये इंक्रीज लिखा है. यस अब सही. तो दिस मींस इफ स्पीड इज x तो नेक्स्ट स्पीड विल बी x + 10, और फर्दर का मतलब हो गया x, x + 10 में 10 इंक्रीज करना तो x + 20, ये डिफरेंस हो गया. एंड द 1 hour लेस टाइम, तो 1 hour लेस हो जाएगा डिवाइड बाई स्पीड का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस है तो 10,
और ये 45 मिनट लेस, लेस का मतलब टाइम का डिफरेंस गिवन है, तो यहाँ स्पीड का डिफरेंस इज 20 और 45 मिनट लेस का मतलब 45 डिवाइड बाई 60, बिकॉज ये मिनट है तो आर में करने के लिए, और ये दोनों फॉर्मूले डिस्टेंस के तो इक्वल कर देंगे हम. नाउ 10 टू जा 20, 15 थ्री जा 15, 4 जा 4 की मल्टीप्लाई इससे होगी, सॉरी x विल बी कैंसिल, तो दिस विल बी 4x प्लस 40 इक्वल टू 3x प्लस. सर इसमें केवल 45 अपॉन 60 क्यों करेंगे? मिनट है ये, मैंने बताया लिखा नोट, मिनट मिनट को आर्ट्स में करना है. जैसे और ये पूरा तो पहले उसने अपनी पहले अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाई तो उसे एक घंटा कम लगेगा, और अगर उसके बाद भी 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाएंगे तो नो यू कांट से कि एवरी टाइम 10 इंक्रीज करेगा तो 1 आवर ऑलवेज लेस लगता जाएगा. यू कांट नहीं वो नहीं कह रहा हूं मैं सर. हां सर जैसे 10 स्पीड और बढ़ाएगा तो उसे 45 मिनट और कम लगेंगे, तो 1 आवर प्लस 45 मिनट होगा ना. नहीं उसने फर्दर बोला एक मिनट हीट, अच्छा फर्दर यहाँ पे ही बोला, टाइम में ही फर्दर बोला था. ओके डन, मैंने टाइम वाला फर्दर नोट नहीं किया था. ठीक है, देन 60 मिनट और 45 और ऐड हो जाएगा, तो 60 105, दिस विल बी 105 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा. इसको चेंज कर लेगा, ये फर्दर मैंने नोट नहीं किया था, आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ यही फर्दर नोट किया. दिस विल बी 105 मिनट डिवाइड बाय 60. या ये 3/4 था, इसे 1 + 3/4 कर लो. रुक जाओ, 3/4 में 1 ऐड कर लो, एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहीं से चेंज कर देता हूँ, ये लाइन कट देता हूँ. देखिए ये हो जाएगा x प्लस 10, ये हो जाएगा x प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ये 1 and 3/4 कर लो तो 7/4 हो जाएगा. तो ये रहेगा x प्लस 10, x प्लस 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 7/4. अब के लिए 4 2 8 की मल्टीप्लाई कर दिया, 420 किलोमीटर आ रहा है. ओके डन, 8x प्लस 80 व्हिच इज इक्वल टू 7x प्लस 7 2 14, 7x माइनस हो जाएगा x, 80 जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना आ रहा है आपका आंसर? स्पीड कितनी आ रही है? स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 420 किलोमीटर. वेरी गुड, डिस्टेंस राइट आंसर. तो दिस विल बी 60 इनटू 60 प्लस 10, ये वाला फॉर्मूला 70 डिवाइड बाय 10 इनटू 1 आवर, यस 420 किलोमीटर राइट आंसर. विष्णु क्लियर है? सौम्या आप बताओ. जी सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर. अ मैन travel a certain distance by train 25 kilometer per hour and return back by car 4 kilometer per hour. The whole journey took 5 hours 48 minutes. What distance did he travel? Okay, done. A man traveled certain distance by train 25 km per hour and return back 4 km per hour. Nahi slower, nahi faster hai ki S1 is 25 and S2 is 4 km per hour. The whole journey took, whole journey matlab total time given hai aapko, total time journey ka. Yani ki S1 plus S2 ho jayega 5 hours प्लस 48 मिनट, और मिनट को आवर्स करने के लिए डिवाइड बाय 60. नाउ द डिस्टेंस फॉर्मूला इज S1 इनटू S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2 इनटू टाइम. S1 इज 25,
इंटू फोर डिवाइड बाई एस वन प्लस एस टू 25 प्लस 4 29 इंटू 12 किलोमीटर आंसर आएगा जी सर 20 सर डन सर एक बार बस ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि मतलब स्पीड ऐड कब करते हैं नीचे एक मिनट सर विल यू शेयर द रिकॉर्ड वीडियो टू द क्लास बिफोर टुमारो क्लास हां श्योर सर मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा सी A man travels certain distance 25 and return back 4. Certain distance is covered 25. Return back by 4. यानि कि same distance का question हो गया. Now the whole journey took. यहाँ पे ना उसने less लिखा कि he take 20 minute less. ना more लिखा है. Reach 20 minute before. Reach 20 minute late. या आफ्टर ऐसा कोई भी क्वेश्चन यूज नहीं किया सिंपल एक वर्ड हो रहा होल जर्नी टुक इनसे हम हिंदी में कह सकते हैं आने जाने में लगा समय 5 hours 48 minutes सिंपली वो हमने पुट करा टोटल टाइम इज 5 hours 48 minutes मिनट को आवर्स में करने के डिवाइड बाई 60 करा 5 5 25 + 4 29/5 टाइम की जगह पुट कर दिया और एस वन प्लस एस टू बिकॉज होल जर्नी टाइम गिवेन है इसलिए मैंने यहाँ प्लस पुट किया है बताइए ने कुछ कोई प्रॉब्लम नो सर यश समय पूछ लो आप बाकी मैं शेयर कर दूंगा वीडियो लेकिन फिर भी आप पूछ लो कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सर ये 29 अपॉन सर ये 5 कहां से आया सर अच्छा ये देखिए ये है 5 hours 48 मिनट मिनट को आवर्स में करने के लिए ये वाला 5 नीचे वाला 5 29 वाला सर यही तो कह रहे हो इसी को तो सॉल्व करा रहा हूँ कैसे आया 12 4 12 5 दिस विल बी 5 4 by 5 5 5 25 24 29 ओके बाबा नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट If a man had walked 20 kilometers per hour faster, he would have saved 1 hour in the distance, D-I-S-T-A-N-C, distance of 600 kilometer. Find his usual speed. Chale. If a man had walked 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर मीन्स दिस इज एक्स तो दिस विल बी एक्स प्लस 20 ही वुड सेव सेव मीन्स क्या होता है टाइम का डिफरेंस मोर लेस सेव करना मतलब आपने सेव कैसे किया होगा लास्ट जर्नी 3 hours ही करी हाँ बिल्कुल सही नाउ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड का प्रोडक्ट Divide by difference of speed into 1 hour and this is 600. So 600, 20 product mein aa jayega equal to x into x plus 20. 6 twos are 12,000 equal to 100. Yes, right answer. Now in the examination you have 4 options. So x ke option put karke dekh liye. Jab iski multiply 12,000 hai, wo answer ho jayega. बट इन दिस केस सिंपल दिख रहा है ये मल्टीप्लाई है 100 इंटू 120 एंड 100 एंड 120 में देखिए 20 का डिफरेंस भी है मीन सिंपल एक्स विल बी 100 किलोमीटर पर नाउ स्टार्टिंग का वो क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने आपको कहा था चलो बाद में करा दूंगा 5 by 6 वाला है ना थोड़ा सा
उसी क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन लास्ट वही लेते हैं, लेक्चर को आज का फिनिश करते हैं। सॉरी यही था हमारा ना फर्स्ट क्वेश्चन। वॉकिंग एट 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड लेट बाई 10 मिनट फॉर हिज स्कूल। What is the usual time to reach the off? तो second method से apply करते हैं, simple सा S1 S2 upon T2। चलिए second method apply करते हैं, तो one speed is S, तो second will be 5/6 of S। Now S1 upon S2 will equal to कितना given है मुझे 10 मिनट लेट। तो देखिए इस कंडीशन में 10 मिनट लेट है तो रीचिंग टाइम टी मान लें। अब इस कंडीशन में अगर वो लेट है तो इसके रेसिप्रोकल यानी कि ऊपर आएगा, लेट का मतलब t+10/2। बताइए कोई प्रॉब्लम इसको समझने में कैसे भी? अब तुम इतना रेसिप्रोकल सीख चुके हैं, 60 इक्वल टू 5t प्लस का 10, 5t या माइनस हो जाएगा, टी इक्वल टू 10। सर 50 मिनट, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा वो तो, एक सेकंड, 5t प्लस 50 मिनट से आंसर 50 आएगा। नहीं आंसर नहीं, रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट टाइम ही पूछा है, 15 मिनट। दूसरे मेथड से करें इसको, यह मेथड क्लियर है, यहीं पे छोड़ सकते हैं। क्लियर है, तब मैं एक शीट आपको दे देता हूँ। हाँ बताइए, करा दीजिए दूसरे मेथड से सर। दूसरे मेथड से वो जो 6 और 5 से कराया था, मल्टीप्लाई करना था इनटू 10 से। ठीक है, फिर ये भी तो करना पड़ेगा, तब आप कहोगे 50 मिनट। दोनों कंडीशन सेम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको अच्छा लगा उसमें सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, असाइनमेंट एक अपलोड करता हूँ, कौन से क्वेश्चन नंबर करने हैं, और इसका रिकॉर्डेड वर्जन दे देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा, और कल फिर अपने डाउट्स मुझे पहले व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इनफ है, कल मिलते हैं, चलिए बाय। और कोई प्रॉब्लम किसी को बता दीजिए एंड करने से पहले? सर क्वेश्चन नंबर तो बता दीजिए कौन से करने हैं, वो मैं वही लिख के दूंगा व्हाट्सएप पे या ऐप पे कर देता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है सर, चलो डन, थैंक यू सर, वेलकम।